नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक फ़ोन आने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन, जो कि पूरी तरह से इंडिया में बना है। और अगर आप एक नॉन चाइनीज़ अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं, प्रीमियम क्वालिटी का लेना चाहते हैं, लेकिन वो भी कम प्राइस में, तो आप ये फ़ोन ज़्यादा प्रीफर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इसके पूरी स्पेसिफिकेशन और क्यों आपको इस फ़ोन को ख़रीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए। इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ और यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ये जर्मनी में लॉन्च हो चुका है और वहाँ प्राइस डिसाइड हो चुका है इसी स्मार्टफोन का। तो यहाँ पर भी जो प्राइस आने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं इसके सारे फीचर्स और क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर फीचर्स आपको जानने हैं, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो फ़ोन है मिड रेंज और प्रीमियम रेंज के बीच का फ़ोन है, क्योंकि इसकी जो कीमत है 25 से 30,000 रुपए के बीच में होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी ये जर्मनी में लॉन्च हुआ है जहां पर इसकी स्टार्टिंग जो प्राइस है वो 31,000 रुपए है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कम रहेगा तो आप 26 से 30 के बीच में इसका प्राइस मान लेते हैं। मेरे हिसाब से इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होगी 26,999 रुपए से होगी, क्योंकि ये 6 GB रैम के साथ आ रहा है और आपको बहुत सारे और भी अलग फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। और सबको पता है कि सैमसंग का जो भी फ़ोन होता है वो और फ़ोनों के मुकाबले और कंपनियों के मुकाबले 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगा होता है अगर वो मिड रेंज और प्रीमियम क्वालिटी के बीच में है। प्रीमियम रेंज में है तो 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग होने वाली है 26,999 से होने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसकी जो लॉन्चिंग है वो 10 सितंबर को सिर्फ आपको अमेजन पे ये लॉन्च होगा और उसके बाद आपको डेट बताई जाएगी कि इसकी पहली सेल कब होगी। यहाँ पर जो डिस्प्ले है इस फोन की वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फीचर्स से भरी हुई है। 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर अमोलेड प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले आपको यहां पर मिलती है, जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 लगा हुआ है। इसके अलावा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर आपको यहां पर मिलता है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैवी प्रोसेसर है। गेम के पर्पज़ से, ग्राफिक्स के पर्पज़ से, वीडियो एडिटिंग के पर्पज़ से, सभी जगह ये वाला जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। यहाँ पर आपको दोस्तों आगे जो सेल्फी कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का मिलता है और बैक में जो कैमरा है वो क्वाड कैमरा है, यानी 4 कैमरे आपको मिलते हैं। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है जिसमें सोनी का सेंसर यूज किया गया है। दूसरा जो कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। तीसरा जो कैमरा है 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस। और चौथा जो कैमरा है 5 मेगापिक्सल इनडेप्थ सेंसर वाला। तो यहाँ पर बैक में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको एक बिग बैटरी मिलती है, 7000 mAh की एक आपको बैटरी मिलती है, जो कि 25 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट है। और जो 25 वाट का टाइप सी फास्ट चार्जर है वो भी आपको बॉक्स में मिलता है, यानी जब आप खरीदेंगे तो ये चार्जर भी आपके साथ आएगा। तो यहाँ पर ये फ़ोन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। और अगर आपको एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन चाहिए प्रीमियम क्वालिटी का, मिड रेंज से ऊपर और प्रीमियम से थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ पहले ही कि यहाँ पर जो इसके बैक में जो यूज किया गया है मटेरियल वो पूरी तरह से प्लास्टिक का है, यानी प्लास्टिक बैक फ्रेम है और मटेरियल भी प्लास्टिक का यूज किया गया है। उसके हिसाब से फ़ोन थोड़ा सा हल्का रहेगा और आपके हाथ में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा वजन नहीं लगेगा। 3.5 mm का जैक आपको यहाँ पे मिलता है और एंड्रॉयड 10 के साथ सैमसंग का One UI 2.0 भी आपको यहाँ पर मिलता है। ये फ़ोन जो है 6 GB रैम से स्टार्ट है, 6 GB रैम के साथ 128 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इस फ़ोन में मिल जाती है। तो एक बार मैं प्राइस बता दूँ कि यहाँ पर जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है इसकी कि 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला फ़ोन जो है 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 26,999 से इसकी स्टार्टिंग होगी और जैसे अगर इसका रैम बढ़ता है तो वहाँ पर प्राइस 2 से 3 हज़ार रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। दोस्तों, अगर
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा, जरूर पढ़ूंगा और जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।